रामलीला कमेटी द्वारा गोवर्धन में राम बारात निकाली गई। राम बारात में दिव्य झांकियों से समूचा गोवर्धन धाम भक्ति में हो गया। कान्हा की नगरी गोवर्धन धाम में फिर एक बार त्रेता युग का साक्षात्कार हुआ। यहाँ रामलीला कमेटी गोवर्धन द्वारा भगवान राम की भव्य और दिव्य बारात बैंड बाजों की सुर लहरियों के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस राम बारात को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। भगवान राम की बारात में माँ काली की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसे देखकर कस्बा वासी भाव विभोर नजर आई। तो वहीं भगवान गणेश की आकर्षक झांकी और भगवान शिव परिवार की झांकी ने लोगों का मानो मन मोह लिया था। इस बीच राम बारात में नाग नागिन के बॉलीवुड डांस ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। तो वहीं जैसे ही भगवान राम अपने अनुज भ्राता भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकले, तो सभी गोवर्धन वासियों ने भगवान राम की जयकारों के साथ दिव्य राम बारात का स्वागत किया। वहीं भगवान राम के पिता दशरथ जी की झांकी आई, वैसे ही लोगों में दशरथ की झांकी देखने की होड़ लग गई। कहा जाता है कि जब भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुरी पहुंचे थे, तब अयोध्या के चक्रवर्ती राजा यानी भगवान राम के पिता दशरथ राम की बारात में दिव्य रथ पर सवार होकर अपने मुनि वशिष्ठ को लेकर जनकपुरी पहुंचे थे, जहां जनकपुर के राजा जनक ने अपने समधी यानी राजा दशरथ का भव्य स्वागत किया था, जिसको देखने के लिए स्वर्ग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत 33 करोड़ देवता वहां आए। ऐसा ही कुछ नजारा इस राम बारात को देखने के दौरान मिला, जहां भगवान राम की बारात का भव्य स्वागत निर्मोही अखाड़े के श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज और गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नंद किशोर शर्मा और भागवताचार्य श्री हीरा बल्लभ शास्त्री ने किया। राम बारात के स्वागत का सिलसिला पूरे कस्बे में चला। ये दिव्य राम बारात कस्बे के मुरारी कुंज से शुरू होकर डीक अड्डा, बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा, चकलेश्वर, दस विसा होते दान घाटी मंदिर पहुंची, जहां मंदिर प्रबंधन के लोगों ने राम बारात का भव्य स्वागत कर अपने को धन्य किया। क्या नाम है हरिओम धर्मा एडवोकेट। बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर, हर वर्ष जो है यह राम बारात निकली है, रामलीला का आयोजन होता है, लोगों में बड़ा उत्साह है, तरह तरह की झांकियां निकल रही है, अनेकों बैंड बाजों के साथ में चारों भाइयों को घोड़े पे सवार होकर निकल रहे हैं। इसके बाद में पूरे कस्बे की परिक्रमा लगाते हुए मुरारी वाली कुंज में जनकपुरी का आयोजन किया गया है। वह हमारे चौधरी भगवान सिंह जी के द्वारा सारे बरातियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। सारे कस्बे में बहुत उत्साह है और हम तो यही आशा करते हैं कि हर वर्ष ये बड़ी धूमधाम से राम जी की बारात निकलती रहे, इसी प्रकार निकलती रहे और कस्बे वासियों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे सभी का जो है। सभी राम।
अजय कुमार अग्रवाल कोषाध्यक्ष रामलीला कमेटी गोवर्धन। विशेष तो प्रतिवर्ष यहाँ होता है, कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष यहाँ सुंदरता भी और पब्लिक का, आम जनता का बहुत सहयोग मिलता है हमको। विशेषकर कुछ संस्था ऐसी हैं जो हमारी राम बारात और रामलीला का चार चार लगाती है। भगवान सिंह जी हमारे गोवर्धन से हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जो हमारी जनकपुरी का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। सिद्ध सिद्ध अकाडमी, सामरिया बाबा और भी संस्था हैं जो हमारी समिति को बहुत बड़ा सहयोग करके हमारे वर्ष क्या मानते हैं। देखिए राम और कृष्ण दोनों हमारे कुल देवता है और हमारे ब्रज में इस बात को कोई भिन्नता नहीं है कि कृष्ण की भूमि है तो राम की भूमि को इसको नहीं माना जाए। राम पूरे देश को पूजते हैं, कृष्ण पूरे वर्ल्ड में बसते हैं। कृष्ण की लीला वर्ल्ड में विश्व प्रसिद्ध लीला है और राम की हमारे देश को मानते हैं। और मैं तो सबसे यही कह दूंगा हमारे गोवर्धन की रामलीला कमेटी को सब लोग बहुत सहयोग करते रहे और इसके लिए मैं प्रभारी मीडिया प्रभारी का बहुत सहयोग करता हूँ। हमारे प्रचार प्रसार से हमारी लीला का मंदिर को बहुत सहयोग करती है। धन्यवाद। मेरा नाम भगवान सिंह है। भगवान सिंह जी बताया कि जैसे किया जाता है ये श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार की तरफ से ये आयोजन जनकपुरी का मुरारी वाली कुंज में हर साल जो है हो रहा है। बाकी अगर जनकपुरी की बात करें तो जिस तरीके से जनकपुरी में बहुत सारी व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्था है और रात को जब बारात लौट करके आएगी तो भोजन व्यवस्था है, वहाँ भोजन व्यवस्था अच्छे तरीके से शुद्ध घी से द्वारा कराई जाती है। भरमाला भी होगी, भरमाला का कार्यक्रम भी हो रहा है और वहाँ प्रसाद भी बट रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि दिन पे दिन उत्तर उत्तर इसी प्रकार जो है प्रोग्राम बढ़ता रहे और कस्बा वासी हमारा साथ देते रहें। हमारा यही अनुरोध है सभी लोगों से। बोल राजा।